तो बाहर भी अपने यहाँ पे ब्लॉग भी रही है ना शुगर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो भाई जान कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई जान एज यू कैन सी मौसम है सुहाना, बड़ा दिल है दीवाना, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है, हल्की हल्की बारिश हो रही होगी, एज यू कैन सी थोड़ा बहुत गीला हो रहा हूँ मैं। तो ऐसे टाइटल देख के आप लोगों को समझ लग गया था भाई जान आज पीपे का पार्ट टू है। पार्ट टू में हम लोग करवाने जा रहे हैं टंकी, अच्छा टंकी चेंज तो दी, रैप हमने करवाने का प्रॉब्लम किया क्योंकि जो टंकी है ना हमारी, वैसे मेरे जहन में अच्छा आइडिया आया था, मैं क्या इसको रैप करवाते हैं, ये टंकी भी बची रही तो आप लोग ऐसे कबाड़ में फेंक रहे हैं। सो अभी ये आवाज़ ही सामने आया था कैमरा मैन पीछे कैमरे के। हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है इसने पीपा मिशन पीपा कंप्लीट करना है, इसके बाद दरअसल पैसे खत्म हो गए तो इसने टैंकी को ही रैप कराना है। सारे रात तू खोल के बता दे, एक एक बता दे, जब मैं तुझे कह के चुप कर हम हंसते हंसते तो लोगों को बता ना, इस घर पे सारे पैसे लगा दिए और अपनी टैंकी को इनकम्प्लीट कर दिए। टैंकी क्या सोचती होगी, टैंकी क्या सोचती, तू छोड़ ये बात। तो बाय द वे अभी हम लोग कहते जा रहे हैं दुकान पे और बारिश काफी हो रही है तो दुकान पे जरा एक छोटे बड़े काम है और निकलते हैं हम लोग, अपने पीपे को पकड़ते हैं पापा जान के साथ, वापस आपको देख के निकलते हैं दुकान पे। मजेदार मौसम है, इंजॉय करते जा रहे हैं, बट वो अलग बात है कि गीले भी हो रहे हैं, वो कैमरे पे तुम लोगों को डॉग पड़ते नजर आ रहे होंगे। तो इस वास्ते भाई साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, फिलहाल तो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं। चलो जी आप मोटरसाइकिल चलाए तो मिल जाते दुकान। बस अभी हम लोग कहते हैं मार्केट के अंदर पहुंच चुके हैं और सबासी साहब को हमने कर दिया ड्रॉप, मैंने वहाँ पे ड्रॉप शूट नहीं किया बिकॉज फ़ोन की बैटरी है डेड और ज़रा मेन जगह पे यूज़ करें। तो इस वक्त अनीश भाई के पास हम लोग आए। अनीश भाई अच्छा, जो टैंकी के ऊपर रेड कलर का रैप मैंने आपको कहा था वो कौन सा है, नहीं पता चीज़ नहीं, जो 125 की या 70 की जो रेड कलर की टैंकी होता है उसका रैप करवाने का आपको मैंने बताया था, ये कलर अगर उसके ऊपर थोड़ा सा लाइट में जो होता है ये भी ठीक है। तो भाई दबे अभी अब देखते हैं क्या क्या देखना, भाई दबे आप अनीश भाई की शॉप देख तो सकते हो, मैं लोकेशन यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, भाई का नंबर भी दे देंगे वो, ताकि आप इनको कॉल कर कर इनका जीना हराम कर दें। क्यों अनीश भाई बिल्कुल सही है। तो भाई अभी हम लोग सामान पकड़ते हैं और जाते हैं और बाइक को तैयार करवाना शुरू करते हैं। अभी हम लोग कहते हैं घर वापस आ चुके हैं बिकॉज सुहान भी कह रहे थे हमें तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं और इस वक्त हमारे पास 1 घंटा है, उसके बाद जाना है हमने ट्यूशन, बिकॉज ट्यूशन हम स्किप नहीं कर सकते और असेसमेंट्स हमारी जा रही हैं, तो हमने डिसीजन लिया है कि अभी घर वापस आते हैं तो ट्यूशन से पढ़ के फिर जाएंगे, क्योंकि बाइक सारा दिन हमारे पास किया है तो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी मैंने कहते हैं उनको स्टिकर जो होते हैं बाइक का जो 125 का होता है वो और मोनोग्राम उनके पास रखवाया है, तो बाकी वापसी पर जाते हैं उनसे सब चीज़ें ले लेंगे और अभी निकलते हैं हम लोग ट्यूशन के लिए। 2000 years later. So boys, इस वक्त टीशर से हम लोग आ गए हैं और आती जा रही हम लोगों ने, आती ही ज्यादा हो गई है। So as you can see, पीपा हमारे सामने खड़े बेचारे के टैंकी टप हो गए, वो रंग में उतार दिए, अब जाते के कराते इसको रैप और फिर और कोई दूसरा काम करते हैं। So stay tuned. Boys, बेसमेंट के अंदर हम लोग आ चुके हैं, इस वक्त अनीश भाई से हम लोग खर्चे का डिस्कस कर रहे थे और अनीश भाई ने सीधा ही सीधा 2000 रुपये खर्चा ठोक दिया, 1000 रुपये का सामान है स्टीकर और मोनोग्राम और सीधा ही 2000 रुपये रैप का कैंडी रेड का खर्चा ठोक दिया, अब 3000 रुपया मेरा लग रहा है, इससे अच्छा मैं नवी टैंकी ना ले लूँ। अब हमने प्लान चेंज करके नई टैंकी पर शिफ्ट कर लिए, ठीक है। अनीश भाई का खर्चा नहीं, खर्चा तो मेरा बचा, अनीश भाई मेरा खर्चा बहुत गिरा रहे, अनीश भाई आप बहुत तेज हो रहे हो, अपने बंदों का बंदा ख्याल कर लेता है, आपको खुद ही आना ना, अपनी मर्जी की चीज तैयार हो जानी है, ये तो है। अब वो लेकिन रैप करवाओगे, लेकिन ये देखो सुबह कौन सा मॉडल के 23 मॉडल में मिल जाएगा हैं, मिल जाएगा 23 मॉडल के फाइनल चाहिए, रेड रेड के ब्लैक रेड कलर चाहिए ब्लैक। इस बाइक का भी दिखाओ, ये बाइक इसको बताया लूट रहा है पूरा, नहीं लूट रहा यार, नहीं वो अपने हिसाब से लूट रहा है, हमारे हिसाब से लूट रहा है। तो बाद में अभी पकड़ते हैं टैंकी और आपको कराते हैं पूरा टैंकी का ओवरव्यू।
बाहर भी अपने यहाँ पे व्लॉग भी रही है ना, शुगर का मेला लगा हुआ है। और टैंकी का हमने मंगवा लिया था, देखते जैसे टैंकी आती है आपको ओवरव्यू कराते हैं। और रिनीज भी बेचारे कह रहे हैं मेरा गाग भर गया, रिनीज भी बेचारे कह रहे हैं मेरा गाग भर गया, कोई रिप्लाई नहीं। सो अभी टैंकी देख रहे थे, काफ़ी टैंकी इधर पड़ी, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमने स्पेशल ऑर्डर करवाया है, मंगवाई है। देखते हैं जब तक टैंकी आती है कितना टाइम लगता है और कब तक टैंकी। इस वक्त टैंकी टापे हमारे पास आ चुके हैं, एज यू कैन सी बाबा जान की फरमाइश में। उन्होंने कहा था कि 23 मॉडल वाले लेना और रेड लेने, रेड में ही थे बिकॉज ब्लैक वाला तो उस पर स्क्रैचेज पड़ता था तो ज़्यादा पता लगता है, इसलिए इस पर नहीं इतना पता लगता। सो सुबह भाई ने क्या कहते हैं एक भी काम ढंग का अभी तक क्या जो किया है ना वो टैंकी वाला ही है। पिछली दफ़ा सुई का तुम यही कह रहे थे ढंग का काम किया हमने, नहीं वो बाइक की बात ना कर रहा, गाड़ी पे तो आ चलो एक बार उसे हो जाता है। तो अभी इसको लगवाते हैं, उठाते हैं और ट्रैक्टर लेके जाते हैं मैकेनिक के पास और लगवा लेते हैं। सुबह जान 9 बज चुके हैं और पूरा इस वक्त मैं तुम लोग सेंटर देखूँ बंद हो गया। इस वक्त सारे चल जाते लेकिन आवर ब्रदर नीश भाई हमारे लिए सिर्फ रुक के हमारी टैंकी को और टापे को तैयार कर रहे हैं, हैं नीश भाई। वैसे आप किसी अगर कोई दूसरा कस्टमर होता है आप रुकते, मैंने करना ही नहीं था देख रहे हो भाई की मोहब्बत। तो जल्दी से जल्दी काम करवाते हैं और देखते हैं 1-5 किलो कैसी निकलती है, और उसके बाद बाकी 2-3 पार्ट्स मेरे ख्याल से और बनाएंगे हम पीपे के, फिर से फिर तो सीरीज इसकी खत्म कर देंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सो जल्द से जल्द काम करवाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। Next day. So, assalamu alaikum again everyone. और नया दिन शुरू हो चुका है, कल रात 12 बजे मैं घर पहुँचा तो करीब 12 बज चुके थे और ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला और हम लोग तैयारी करें थोड़ी सी टेस्ट की, वो की वर्ष हो गया और आप पीछे अजान सुनने हो गए और नमाज जमा का वक्त हो गया, गेटअप से पता लग रहा होगा। सो अभी अपना दूध फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं नमाज जमा के लिए। सो पहले जुमा पढ़ के हम लोग आ चुके हैं, एज यू कैन सी पीपे की तुम लोग शक्ल देख सकते हो, इतना प्यारा लग रहा है हमसे। बस नेक्स्ट पार्ट में इसको हमने क्या कहते हैं कवर अप करना है कि इंजन जितना भी रंग है ना सारा ओरिजिनल लाना है हमने, इसके लुक पूरी ट्रांसफॉर्म कर देनी है बिकॉज इकलौता मोटरसाइकिल है साढ़े को, अनुने तैयार कराना फिर तैयार किनू कराना है, बाद मेरा प्लान बन रहा है अभी अपनी मोटरसाइकिल से हैंडी लेने का। सो अभी चलते हैं और ऊपर जाके करते हैं ब्लॉग को। Suppose I think आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो पसंद आते तो लाइक लाजमी कर देना बिकॉज भाई जान मेहनत लगती है काम में, मैंने कल 3 घंटे अपने बल्कि 4 घंटे जाया किए तो भाई जान लाइक तो बनता है इस बात पर, अगर लाइक दिए तो भी लाइक ठोक दो भाई जान। तो यार अगर व्लॉग पसंद है तो व्लॉग को लाइक भी लाजमी कर देना, चैनल बने तो सब्सक्राइब भी कर देना, मैं हम लोग आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।